हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज का ये ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है यहाँ से, जहाँ से आप देख रहे हैं। आज हमारा ब्लॉग शुरू होता है हमारे पति जी से, और इनको आज मैं खाना बनाना सिखा रही हूँ। ये सिर्फ हमेशा मुझसे बोलते थे कि मुझे बनाना आता है आता है आता है। आज मैं इनका इंटरव्यू ले रही हूँ कि तुम्हें बनाना आता है तो ठीक है, तुम आज बना के दिखाओ। और मेरी तबीयत ख़राब है 2 दिन से। और ये दाल फ्राई करने के लिए प्याज मिर्ची वगैरह काट रहे हैं, हम दिखाते हैं आपको। और देखिए, साथ साथ में इन्होंने टमाटर भी काट के पहले से ही रख लिया है। इनको बोला मैंने कि प्याज मिर्ची सब चीज़ काट के पहले रख लो, फिर तड़का लगा देना पहले, उसके बाद जब प्याज मिर्ची वगैरह पक जाए तब टमाटर बाद में काट लेना। तो इन्होंने टमाटर पहले ही काट लिया। और मिर्ची इतनी सारी ले रखी है, ये मिर्ची फ्राई करके खाएंगे। खिड़की खोल लो सामने वाली। क्या करोगे? पहले तेल डालेंगे कढ़ाई में। स्लो कर दो, गैस स्लो कर दो। ढूंढो किचन में, आज खुद हो, हम नहीं है किचन में। ढूंढो और बनाओ। तो यहाँ पे डाल रहे हैं अभी ये कढ़ाई में तेल। मैंने क्यों जीरा डलवाया पहले? तो तुमको पहले अपनी मिर्ची फ्राई करनी थी ना, भूल गए तो मैं क्या करूँ? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? हमसे कोई एक काम गलत हो जाता है तो हमें ये बोला जाता है, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? और खुद तो दोस्तों, इनको पहले मिर्ची फ्राई करनी थी अपने लिए, तो इन्होंने पहले जीरा डाल दिया। और मुझे बोल रहे हैं कि तुमने मुझे अपनी बातों में बहका दिया। कि मैं तुमसे डेली खाना बनवाती हूँ, डेली ऐसे काम करवाती होंगी। आज ये इनका पहला दिन होगा वैसे तो, ना तो मैं तो खुद भी इनको करने ही नहीं देती कोई काम। बस आज मेरा बिल्कुल भी अच्छे से बना रहा, बिल्कुल भी जैसा मैं बनाती हूँ वैसा वाला टेस्ट आना चाहिए। अभी प्याज पकी नहीं है, थोड़ा सा प्याज को और लाल होने देते हैं। ऐसे प्याज अभी इसमें जब दाल डालो ना तो कच्ची कच्ची सी लगेगी। प्याज को थोड़ा और ब्राउन होने देते हैं हल्का, उसके बाद टमाटर पहले ही डाल दिया तुमने, थोड़ा पका लो उसके बाद दाल डालना उसमें। दोस्तों दाल फ्राई करने में तो इनका ये हाल है, सब्जी बनाने को बोलूँगी तो पता नहीं क्या बना देंगे। सब्जी का जो भी सब्जी ये बनाएंगे, मैं तो कौन सी सब्जी बना लेते हैं अच्छे से ये बताओ। और इसमें आप ये भी देख सकते होंगे कि जब ये आदमी खाना बना रहा है तो ये कुछ भी इसके मुँह से मतलब नहीं निकल रहा है, और बोला नहीं जा रहा है आदमी से। ऐसा नहीं है कि ये गुस्सा है, ऐसे जब एक औरत खाना बनाती है तो सामने वाले को ये लगता है कि वो मुंह फुला रखी है, उनका काम करने का मन नहीं है, तो गुस्से में बना रही है। किसी किसी के ऊपर ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि खाना बनाते टाइम ही मुंह फुला लेती है, तो ऐसा नहीं होता है। गैस स्लो कर दो थोड़ा सा, और टमाटर अभी और पकने दो, नहीं तो दाल डालने के बाद ना वही ऊपर ऊपर आएगा कच्चा कच्चा सा। पक गया, कोई बात नहीं, तुम्हारा मन है खाने का तुम खाओ, हम तो खाएंगे नहीं वैसे भी खाना। डालो यार पूरी दाल। मैं बना रहा हूँ क्या मतलब है? पानी फ्राई करना है। ऐसे ही पकड़े
रहना है।